देखो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्स गिवेन है 3/5, वाई गिवन है 8/17, तो पुट कर देंगे। तो देखो साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो यहाँ पे क्या जाएगा 3/5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर प्लस 8/17 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब देखो साइन इनवर्स 3/5 स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये कितना आ जाएगा, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, एंड 289 माइनस 64 225 अपॉन 17 का स्क्वायर, 17 होल स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस 8/17, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 9 कितना होता है 16/25। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा देखो साइन इनवर्स 3/5, 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, तो यह आ जाएगा 15 अपॉन 17 का स्क्वायर रूट क्या, 17 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा 17, प्लस 8/17 इंटू ये क्या आ जाएगा 4/5। यहाँ तक ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, देखो इन दोनों में हमारे पास 5 × 17 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 × 15 45 प्लस 8 × 4 32, तो ये अपने पास आ गया साइन इनवर्स 45 × 32 कितना होता है 77 अपॉन 5 × 17 85, और यही हमारे पास आना चाहिए, तो यही आया। देखो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमें बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, इजी।